श्री शिवाई नमस्तुभ्यम दर्शकों, जय महाकाल। देखिए, आज तारीख है 3 जनवरी, दिन शनिवार और आज अष्टमी तिथि पड़ रही है। इसी के साथ ही आज शाम के समय केवल 7 लाल मिर्चों का ये दिव्य और अचूक उपाय आप सभी को करना है। देखिए, आज के दिन मैं आप लोगों को बहुत ही सुंदर उपाय बताने वाला हूँ। आज शनिवार का दिन है और ऐसे में शनिवार के दिन भगवान शनिदेव अर्थात शनिवार के न्याय के देवता भगवान शनिदेव पूर्ण रूप से बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। तो देखिए, आज की शाम अगर आप 7 लाल मिर्चों का ये अचूक उपाय करते हैं तो आपके जीवन में जो भी दुख कष्ट और संकट आ रहे हैं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। देखिए, अगर आपके घर के ऊपर किसी की बुरी नजर लगी हो, आपके घर के किसी सदस्य पर, किसी बच्चे पर बुरी नजर लगी हो, आपके घर में बिल्कुल भी सुख समृद्धि नहीं है, अर्थात आपका कोई दुश्मन है जो आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे में आज की शाम शनिवार की तिथि को इस उपाय को आप सभी अवश्य करें। देखिए, इतना तो आप सभी को पता है कि शनिवार का दिन भगवान शनिदेव को समर्पित होता है, अर्थात भगवान शनिदेव शनिवार के दिन पूर्ण रूप से प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं और शनिवार की तिथि पर भगवान शनिदेव से जुड़े प्रयोग करने से, उपाय करने से उनका आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, लेकिन हमें अपने जीवन के कई सारे कष्टों से छुटकारा भी मिलता है, लाभ भी देखने को मिलता है। देखिए, इसी प्रकार शनिवार की तिथि पर अगर हम भगवान शनिदेव को किसी भी तरह से कोई भी प्रयोग कर कोई भी उपाय कर प्रसन्न कर लेते हैं तो हमें अपने जीवन में कष्टों के साथ साथ ही धन के मामले में भी लाभ मिलने लगता है। और आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि जब भगवान शनिदेव की 7.5 ढैया अगर किसी के ऊपर पड़ जाती है तो उस व्यक्ति का जीवन पूरी ही तरह से मानो तो नष्ट हो जाता है। लेकिन देखिए, वहीं भगवान शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। अगर भगवान शनिदेव चाहे तो किसी रंग को भी राजा बना सकते हैं, अर्थात वहीं अगर वे चाहे तो किसी राजा को रंग भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा कष्ट है, कोई बुरी नजर लगी हुई है, घर में बिल्कुल भी सुख समृद्धि नहीं है, घर में हमेशा झगड़ा होता रहता है, तो केवल शनिवारी तिथि को इस छोटे से प्रयोग को करने पर आपके हर प्रकार के कष्ट दूर हो जाएंगे। देखिए, इस उपाय के बारे में पूज्य गुरुदेव ने अपनी कथाओं में कई बार बताया था कि इस उपाय को आप मंगलवार अर्थात शनिवार दोनों वारों को किसी भी दिन कर सकते हैं और इस उपाय का लाभ भी 1001% देखने को मिलता है। तो देखिए, आप सभी लोगों को आज की रात्रि में अर्थात आज शनिवार की रात्रि में इस प्रयोग को, इस उपाय को अवश्य करना है। किस प्रकार से करना है, किस तरह से करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, अगर आप आज मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो सबसे पहला काम इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखे। मैं भगवान शनिदेव से प्रार्थना करूंगा कि मेरी वीडियो को जो भी देख रहे हैं उनकी माता पिता की उम्र लंबी हो। देखिए, अब आइए जानते हैं कि आज की रात्रि में 7 लाल मिर्चों का इस उपाय को, इस प्रयोग को हमें किस प्रकार से करना है, किस विधि के साथ करना है। तो देखिए, आज शनिवार का दिन है, ऐसे में आज शनिवार की रात्रि के समय आप लोगों को इस प्रयोग को करना है। देखिए, आप लोगों को इस प्रयोग को करने के लिए सबसे पहले 7 लाल मिर्च लेनी है। देखिए, अब इसमें आप लोगों को बहुत सावधानी रखनी है, बहुत ध्यान से इस उपाय को करना है। लाल मिर्च जो आप ले रहे हैं 7, वे लाल मिर्च बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। आपको साबुत लाल मिर्च लेनी है। साबुत लाल मिर्च लेने के बाद में आप लोगों को उन 7 लाल मिर्चों को अपने पूरे घर में घुमा लेना है। पूरे घर में घुमाने के बाद में सबसे पहला काम, आपको उन 7 लाल मिर्चों को अपने सिर से और पांव तक 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद में आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर एक तेल का दीपक उज्ज्वलित करना है, भगवान शनिदेव के नाम का। अर्थात उसके बाद में जो 7 लाल मिर्च आपके पास है उन्हें आप अपने घर से बाहर जाकर कहीं भी एक गहरा गड्ढा खोदें और उस गड्ढे में लाल मिर्चों को दबा देना है। देखिए, लाल मिर्चों को दबाने के बाद में आपको अपने दुश्मन का नाम लेना है, जो भी आपका दुश्मन है, जो आपको परेशान कर रहा है या फिर जो भी कष्ट आपके जीवन में आ रहे हैं उनके बारे में बोलना है। और उस गड्ढे के ऊपर मिर्च, जो लाल मिर्च आपने ली है, उन मिर्चों को गाड़ने के बाद में गड्ढे के ऊपर 7 बार आपको आपकी चप्पल या जूता जो भी है उसे मारना है। देखिए, ऐसा करने से जो आपके कष्ट हैं, जो बाधा आपके जीवन में आ रही है, वे भाग जाएंगी, वे दूर हो जाएंगी। आपके जो दुश्मन आपको सता रहा है, आपको परेशान कर रहा है, उससे भी आप लोगों को फायदा देखने को मिल जाएगा। और आपके ऊपर जो भी नजर लगी हुई है, जो आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर नजर है, वह भी
दूर हो जाएगी। तो देखिए ये उपाय बहुत ही अच्छा है, आप सभी एक बार जरूर कर देखिएगा। और मैं तो आपसे कहता हूं कि इस प्रयोग को करने से आप लोगों को 1001% लाभ देखने को मिलेगा। तो देखिए इस प्रयोग को जरूर कीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि आपका हर दिन शुभ और मंगल हो, आपको अपने जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। और पुनः मिलते को नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।